नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है ऑप्थालाइक केयर और मैं जी सकवाल। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई हेल्थ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले, आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है सबकंजक्टिवल हेमरेज, यानी हमारे आंख में जो आप उजला वाला भाग देख रहे हैं उसमें अगर किसी कारणवश खून जम जाता है तो उसको हम लोग सबकंजक्टिवल हेमरेज कहते हैं। ठीक है, अगर आंख में जो खून जमता है उसका कारण के बारे में जानेंगे तो इस बीमारी के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो जो उजला वाला भाग हम लोग को देख रहे हैं उसको स्क्लेरा बोला जाता है, उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली चढ़ी होती है, ठीक है, उसको हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं। उन दोनों के बीच पतली पतली खून की नलियां होती है जिसमें किसी कारणवश आंख उसमें तनाव आ जाता है और वो फट जाती है, प्रेशर बढ़ने के कारण वो नली फट जाती है और वहां से खून का रिसाव होना शुरू हो जाता है और खून जम जाता है, तो उसी को हम लोग सबकंजक्टिवल हेमरेज कहते हैं। अब किन कारणों से उस नली में जो खून की नली होती है उसमें प्रेशर बढ़ता है और वहां पे खून जमना शुरू हो जाता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई पेशेंट जिनको जो से छींक आ रही है, छींकना शुरू कर देते हैं, खांसना शुरू करते हैं, उन मरीजों को भी आंख में प्रेशर बनता है और ये बीमारी हो सकती है। बहुत से ऐसे मरीज है जिनको बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, ठीक है, उसको भी आंखों में प्रेशर बढ़ेगा और ये हो सकता है। मान लीजिए कोई पेशेंट ऐसा हो जिनको मोतियाबिंद की सर्जरी कराए हैं, लेसिक सर्जरी कराए हैं, उसके बाद भी ऐसा देखने को मिल सकता है। बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनको कि ब्लड प्रेशर का दवाई ऑलरेडी चल रहा है और कभी कभी खाते हैं कभी कभी नहीं खाते हैं, जिनके कारण भी उस दिन उनका प्रेशर बढ़ता है और ये खून जमना शुरू हो जाता है, इसी को सबकंजक्टिवल हेमरेज हो जाता है। सेम कंडीशन अगर कोई मरीज कभी बीपी का दवाई नहीं खा रहा, अचानक बीपी बढ़ गया तो उनको भी ऐसा दिक्कत हो सकता है, या कभी अपने आंख में चोट लगाए हो जिसके कारण भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, बहुत से मरीज ऐसा भी होता है जिनको जिसके हार्ट पेशेंट जिनको खून पतला करने का दवाई चलता है, क्योंकि उन लोग का हार्ट होता है जो बहुत कमजोर हो जाता है, जो हम लोग के बॉडी में खून को फैलाना है फैलाने का काम है हार्ट का, वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, उनको प्रेशर बनता है हार्ट में, ठीक है, ब्लॉकेज के कारण प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, तो डॉक्टर उनको एक खून पतला करने का दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं जैसे कि स्प्रिन टाइप का दवाई प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो पेशेंट को ऑलरेडी चल रहा है यानी उनका खून पतला हो चुका है, तो वो हार्ट क्या कर रहा है, खून को अच्छी तरह से आराम से उसको पंप कर ले रहा है, उसको कोई दिक्कत है, उस मरीजों को भी उनका खून पतला होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको सबकंजक्टिवल हेमरेज हुआ है तो उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, मेरा जो अगला वीडियो होगा इसी पे होगा कि अगर सबकंजक्टिवल आपको हुआ है तो उपचार उसका हम लोग उपचार कैसे करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दें दोस्तों। धन्यवाद।